हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने बचे हुए मेथड्स की। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ही पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के 3 मेथड की स्टडी करवा दी है, जिसमें हमने जो पहले जो स्टडी किया था आपका, हम लिखते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जिसको AIM बोलते हैं हम। उसके बाद हम सर सेकेंड मेथड की स्टडी की, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जिसको GIM बोलते हैं। और तीसरे मेथड की स्टडी की हमने, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, IIM। ठीक है, ये IIM एक इंस्टीट्यूट का नाम मत सोच देना, ये है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब इन 3 मेथड की स्टडी आपने बिल्कुल ही डीपली की है। जितना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा था, आपको सारा का सारा डाटा मैंने अवेलेबल करवाया। क्लियर है? अब जो मैं बात करूंगा इस लेक्चर्स में, यहाँ पे 2 मेथड की बात करेंगे। एक है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, DGI, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड, DGM बोलते हैं जिसको। क्लियर है? और एक मेथड हम बात करेंगे, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, LCM। ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। और एक और मेथड भी होता है आपके पास, ग्राफिकल मेथड, दैट इज GM मेथड। क्लियर है? यानी कि यहां पे हम जो टोटली जो मेथड की स्टडी करेंगे, वो आपके पास 5 से 6 मेथड की स्टडी करेंगे, जिनमें से आपको अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है आपके पास, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की आपको प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करवा दी है। अब जो मैं बात करूंगा डिक्रीजिंग ग्रोथ मेथड की, सर डिक्रीजिंग ग्रोथ मेथड का नाम डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट क्यों पड़ा? क्लियर है? इससे पहले मैंने आपको एक इनिशियली स्टेज में बताया है कि किसी भी टाउन और किसी भी सिटी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, अब किसी सिटी में एंटर कर रहे हैं और वो अभी अभी सिटी नहीं है, वो आपके पास एक खाली प्लॉट है, वहां पे कोई भी अभी जगह नहीं है, अभी बिल्कुल प्लॉट खाली है, सस्ता भी मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, वहां पे धीरे धीरे उस प्लॉट में आना शुरू करेंगे। अर्लियर स्टेज में क्या होगा कि अर्लियर स्टेज में वहां पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि एक तो प्लॉट सस्ता भी है और लोगों को क्या चाहिए, खुला वातावरण चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, वहां पे जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि सस्ता है और वहां पे प्रॉपर तरीके का आपको स्पेस अवेलेबल है। तो इनिशियली स्टेज में आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, रैपिडली इंक्रीज होगी, बट जैसे जैसे एक मिड स्टेज ऐसे भी आएगा कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि लोग वहां पे आएंगे बट उतनी तेजी से नहीं आएंगे जितनी तेजी से वहां पे इनिशियली स्टेज पे आ रहे थे। क्लियर है? तो स्टेज होगी आपकी मिड स्टेज, बट उसको आपको ये भी पता है कि इस सिटी का जो ये टाउन है जहां पे आप, ये जगह खाली है, उसकी पॉपुलेशन आपके पास 50,000 है और 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे आ नहीं सकते। तो अभी तक क्या हुआ था कि अभी तक आपके पास रैपिडली इंक्रीज हुए, तो मान लेते हैं 25,000 से 35,000 तक के लोग अभी तक वहां पे उस प्लॉट पे आके, यानी कि उस एरिया पे आके भर गए हैं। बट जैसे जैसे आपका टाइम बीच में आया, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि अब आपके पास वहां पे 40 से 45 तक, यानी कि जितनी उसकी पॉपुलेशन थे वहां तक लोग आ चुके हैं, 45,000 तक लोग वहां पर बस चुके हैं। बट अब एक ऐसे स्टेज आ गई है कि सर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट जिस तेजी से पहले बढ़ रहा था उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन है क्योंकि अब जो आपके पास वहां पे स्पेस था, काफी ज्यादा स्पेस था, अब वो स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं है, जो मेन जगह थी वो लोगों ने कवर कर दी है, अब वहां पे क्या है, जगह बहुत कम रह गई है। और जब जगह वहां पे बहुत कम रह गई है तो अब ऐसी स्टेज आ गई है, कौन सी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज आ गई है, कि अब वहां पर ना के बराबर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि अब वहां पे नहीं है भाई, अब सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गया है, यानी कि जितनी उस सिटी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो आइए बात करते हैं अब हम अपने डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड्स की। अगर डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड्स की हम बात करेंगे तो ये आपके तीनों मेथड से, जो भी आपके प्रीवियस मेथड्स है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे हैं? इसको एक पहले हम एक ग्राफिकली टर्म से समझते हैं। अगर आपके पास यहां पे इसको कैलकुलेट करना चाहें इस मेथड को भी, तो ये मेथड्स में ग्राफ बनता है आपके पास पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में, किस किस के बीच में, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में।
क्लियर है। तो आप सभी को पता है कि सर इनिशियली स्टेज पे पॉपुलेशन क्या हुआ, रैपिडली इंक्रीज हुआ और एंड स्टेज तक पॉपुलेशन अपनी एंड स्टेज तक पहुंच गया है। अब वो क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और जहां से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है उस कंडीशन को बोलते हैं हम सैचुरेशन ऑफ पॉपुलेशन। सैचुरेशन ऑफ पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है कि जितनी उस एरिया की रिक्वायरमेंट थी, जितनी वहां पे पॉपुलेशन आ सकती है उतनी ही आएगी, अब इससे ज्यादा वहां पे कुछ भी पॉपुलेशन नहीं आ नहीं सकती। क्लियर है। यानी कि मान लेते हैं इस ग्राफ का जो मेरे पास लिमिट था 10,000 का ही था, तो वहां पे वो 10,000 तक लोग आ गए हैं, अब इससे ज्यादा के लोग यहां पे नहीं आ गए, तो इसी को बोला जाएगा आपके पास पीएस बोले तो सैचुरेशन पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। यह वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है बट यहां पे भी मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे आपके पास ए से बी क्या हुआ, रैपिडली ग्रोइंग हुआ, बट बी से सी एक स्टेज ऐसा आया कि थोड़ा आपका पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली मूव किया डी पॉइंट तक, क्लियर है। और एक स्टेज ई आया आपके पास कि जब आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होना हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, क्लियर है। जब सर हम बी पॉइंट तक थे तो आपका वो इनिशियली स्टेज था, कैसा स्टेज था वो सर, इनिशियली स्टेज था। और जब हम इनिशियली स्टेज में थे ए से बी, आपके पास कौन सा स्टेज है, इनिशियली स्टेज। इनिशियली स्टेज आपके पास क्या इंडिकेट करता है, इनिशियली स्टेज आपके पास इंडिकेट करता है कि आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि डीपी बाई डीटी लिख देता हूं मैं कि डीपी बाई डीटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। बट यहां पे ये जो डीपी बाई डीटी, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूं दैट इज डीपी बाई डीटी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। बट जब सर हम बी से डी पॉइंट पे गए तो इट कौन सी स्टेज है, ये आपकी मिड स्टेज है, कौन सी स्टेज है, मिड स्टेज है। और इस स्टेज में क्या हो रहा है, डीपी बाई डीटी आपका कांस्टेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन नहीं आ रही है वहां पे, पॉपुलेशन बढ़ रही है बट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, क्लियर है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है आपका, कांस्टेंट है। ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। और उसी तरह से अगर हम फाइनल स्टेज देखें सर, डी से ई स्टेज जाते हैं दैट इज फाइनल स्टेज, और फाइनल स्टेज आपके पास वो स्टेज है जिस कंडीशन में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अब आपकी पॉपुलेशन क्या हो रही है वहां पे, डिक्रीज हो रही है। तो मैं लिख सकता हूं सर डीपी बाय डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे इंक्रीज लिख दिया, डिक्रीज लिख कोई बात नहीं, इज पी माइनस पीएस, ठीक है, कि आपके पास क्या हो रहा है अब, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या शो करेगा आपको पास, पी एस माइनस पी कर देते हैं, ठीक है, दैट इज पी एस माइनस पी। तो ये क्या शो कर रहा है आपके पास कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग। तो आपके पास जो ये मेथड है इसी पे बेस्ड है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डिक्रीजिंग, कि अब वहां पे क्या हो सकती है आपके पास, कभी भी पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकती थी। यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है यहां पे हम लिख सकते थे सर डीपी बाय डीपी वन होगा पॉपुलेशन डिक्रीज, डीपी टू पॉपुलेशन डिक्रीज एंड डीपी पॉपुलेशन डी थ्री डिक्रीज, कि आपके पास अब पॉपुलेशन क्या हो रही है वहां पे, कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज हो रही है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके कैसे सर इसको हम एक अपनी स्केल पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लॉग पी आएगा आपके पास, दिस इज द लॉग पी एंड दिस इज द टाइम, ठीक है, दिस इज द टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास लॉग पी एस माइनस पी, ठीक है। इस तरह से आपको ये ग्राफ में दिखेगा कि सर ए से सी पॉइंट तक एक ऐसा पॉइंट आया, सॉरी ए से बी पॉइंट तक आपके पास ऐसा पॉइंट आया कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हुई, इनिशियली इंक्रीज हुई। तो हम इसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे अपने लॉग कर्व में, ठीक है। यहां से आपका इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट हुआ है सी पॉइंट तक, और सर जैसे ही हम दूसरे पॉइंट पे गए आपका सी से, वैसे ही आया तो क्या हो रहा है सर, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट हो रहा है, क्लियर है। वैसे दिखेगा आपको ये अपनी फाइनल स्केल पे। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं सर इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट, और ये हुआ आपके पास डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट,
क्लियर है। ये आपका इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट कहां तक, इसी पॉइंट तक मान लेते हैं। अगर वैसे यहां तो आपको नहीं दिखाया होगा, बट ये एक्चुअल में आपका ग्राफ ऐसे बनता है कि इनिशियली स्टेज सी पॉइंट तक तो क्या हुई होगी, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ा होगा, बट सी से लेके ई पॉइंट तक आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हुआ होगा, घटा होगा। क्लियर है, दिस इज द आपका लोग कर्व है। क्लियर है, अगर हम डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो यहां पे डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट क्या बोलता है कि पॉपुलेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, यानी कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। ये जो डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट है ये आपको क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में, इट इंडिकेट द डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड ये शो कर रहा है डाउन एंड ट्रेंड को। और जो आपके पास इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट है ये क्या शो कर रहा है आपको, अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है आपको, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, आपका अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट क्या कर रहा है आपका, मतलब बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट क्या शो कर रहा है आपका, डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट रहा है। क्लियर है, आइए देखते हैं। और ये जो डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट है इसका इंडिकेशन हम किससे करते हैं, अपने एस कर्व से। तो इसको क्या बोला जाता है आपका, एस कर्व बोला जाता है, या फिर इसको लॉजिस्टिक कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक साहब जी थे, एक लॉजिस्टिक मॉडल दिया गया था, उन्होंने एक मॉडल दिया था इसी के ऊपर आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, जिसका नाम दिया गया है लॉजिस्टिक कर्व। या तो आप लॉजिस्टिक कर्व की बात करते हैं चाहे हम एस कर्व की बात करते हैं। क्लियर है, तो आइए अब देखते हैं कि डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड क्या कहता है। दिस मेथड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मेथड। बिल्कुल सही बात है कि ये जो मेथड है आपके पास ये टोटली क्या है, डिफरेंट है आपके प्रीवियस मेथड से। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि इन दिस मेथड द ग्रोथ रेट इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने बताया था कि इन दिस मेथड कि जो आपका डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड है ये आपको क्या शो करता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड शो करता है। क्लियर है, तो वही हमने यहां पे लिखने की कोशिश की है कि दिस मेथड द ग्रोथ रेट शोन डाउनवर्ड ट्रेंड, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। इट मींस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डिक्रीजेस। ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेटमेंट का मतलब है कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, When the population growth of city is plotted, कि जब आप किसी भी population का growth rate को plot करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, initial stage में population बढ़ने को मिलता है, mid stage में population constant रहता है, और initial stage पे आपकी population decrease मिलती है। तो हमें यही लिख रहा है कि it will absorb, हमने ये observe किया कि earlier stage में population growth rate क्या होता है, बढ़ता है, जिसको मैं बोलता हूँ dp/dt is directly proportional to P, यानी कि dp/dt is directly proportional to, या मैं लिख सकते हैं सिंपल आप dp/dt is increase। क्लियर है, बट लेट स्टेज मतलब फाइनल स्टेज, लेट स्टेज का मतलब हुआ यहां पे फाइनल स्टेज द पॉपुलेशन वाज डिक्रीजिंग रेट, कि फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है होती है कि पॉपुलेशन आपकी dp/dt क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इट इंडिकेट द पॉपुलेशन रीचिंग एट सैचुरेशन पॉइंट, और जब आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होती है तो क्या शो कर रहा होता हो, वो शो कर रहा होता है आपको पास कि उस समय आपकी पॉपुलेशन एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गई है। सैचुरेशन पॉइंट तक मींस कि जितना भी आपके एरिया में जितनी पॉपुलेशन आ सकती है उस पॉइंट तक आ गई है। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। नेक्स्ट, व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ, कि जब हम इस एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इट विल सीन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, तो हमें एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व सीन होती है जो हमें किस तरह से दिखता है, एक एस शेप की तरह दिखता है। क्लियर है, यानी कि जो भी आपके पास सर ये दिख रहा है कि इनिशियली स्टेज में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मिड स्टेज पे कांस्टेंट हो रहा है, फाइनल स्टेज पे वो अपनी सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया है, तो सर जब हम इस एक ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है एक एस शेप की तरह। किसकी तरह, एस शेप की तरह, और शायद ही आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसकी तरह दिख रहा है, हमें एस शेप की तरह दिख रहा है। और जब हमें ये सर एस शेप की तरह दिख रहा है तो इसी को ही हम सर एस शेप कर्व भी बोल सकते हैं और लॉजिस्टिक कर्व भी बोल सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओल्ड सिटीज। बिल्कुल सही, ये मेथड सबसे बेस्ट कहाँ रहता है, आपकी ओल्ड सिटी में रहता है, फॉर दोज कम्युनिटीज, उन कम्युनिटीज में
विच आर अप्रोचिंग सैचुरेशन, कि जो अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन तक सैचुरेशन लेवल तक आ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे ना के बराबर पॉपुलेशन नहीं आ सकती है। अगर वहाँ पे कोई लोग माइग्रेशन होना चाहता है तो अब वहाँ पे नहीं रह सकता वो अपना नया घर बनाकर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज वेरी गुड फॉर सच सिटीज, और इस तरह का मेथड कि जहां पे वो अप्रोच कर चुका अपने सैचुरेशन पॉइंट के लिए, दिस मेथड के लिए डिक्रीजिंग ग्रोथ मेथड इज द बेस्ट मेथड, और ये हमें किस तरह का रिजल्ट देता है, क्वाइट रिजल्ट्स इंडी देते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स भी आपको क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं सर इसको हम कैसे इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं इसके मैथमेटिकली डेरिवेशन में। देखिएगा, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड यानी कि डीजीएम मेथड, डीजीएम मेथड इज डिटरमाइंड कॉन्सिक्वेंटली कि इस मेथड को, डीजीएम मेथड को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली डिटरमाइन करेंगे, दैट इज पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन is 1 plus r is minus n r dash divided by 100. This is the DGM. कि DGM decreasing growth rate method is determined consequently. ठीक है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अगर मैं यहां पे आपको देखना चाहूं कि सर आर क्या है यहां पे, तो आर है आपके पास परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आर क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर है? अगर सर हम बात करते हैं अपने आर डैश की, तो आर डैश क्या है आपके पास, आर डैश है आपके पास एवरेज ऑफ डिक्रीज इन ग्रोथ रेट, एवरेज ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ रेट। क्लियर है? अगर सर यहां पे हम n की बात करते हैं, तो n क्या है यहां पे आपके पास, तो n है आपके पास नंबर ऑफ डीकेज, ठीक है, n है हमारे पास नंबर ऑफ डीके बिटवीन लास्ट नॉन पॉपुलेशन टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, n है नंबर ऑफ डीकेड, नंबर ऑफ डीकेड बिटवीन लास्ट नॉन एंड लास्ट नॉन एंड प्रेजेंट डीके, प्रेजेंट डिकेड। क्लियर है? उसी तरह से सर बात करते हैं पी एन माइनस वन, पी एन क्या है आपके पास, जिस पॉपुलेशन के लिए निकालना आपको, दैट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, और पी एन माइनस क्या है आपके पास, पी एन पॉपुलेशन वन डिके। अब देखिए ये तो है प्रेजेंट पॉपुलेशन, और पी एन वन माइनस कौन सी हुई, कि जो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है उससे पहले वाली पॉपुलेशन, ठीक है, तो दैट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वन डिकेड बिफोर दी, बिफोर दी फोरकास्टेड डिके, कि जिस पॉपुलेशन के लिए आपको उसको निकालना है, फोरकास्टेड डिकेड। क्लियर है? तो आपके पास यहां पे डीजीएम को डिटरमाइन करेंगे हम कॉन्सिक्वेंटली, जैसे पीएन क्या हो गया आपके पास, प्रेजेंट पॉपुलेशन या फोरकास्टेड पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, और फोरकास्टेड पॉपुलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, फोरकास्टेड पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। और पी एन माइनस वन क्या हुई है, कि जिस पॉपुलेशन फोरकास्टेड के लिए आप निकाल रहे हैं उससे पिछला वाला डीके, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन वन डीके बिफोर द फोरकास्टेड डीके। क्लियर है? आर क्या है आपके पास, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है, तो आर डैश क्या है सर, एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट, कि जो आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसका कितना डिक्रीज हुआ है, तो दैट इज एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ रेट।
क्लियर है? n क्या है? नंबर ऑफ डीके बिटवीन लास्ट नॉन एंड प्रेजेंट नॉन डीके का। क्लियर है? अब इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई है कि सर आप ये r को कैसे कैलकुलेट करते थे। r मींस हो गया आपके पास परसेंटेज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो r को हम कैसे कैलकुलेट करते थे? इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो हम लिखते थे इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। क्लियर है? तो ये भी आप निकालना आ गया है परसेंटेज ग्रोथ। क्लियर है? तो आपको आर भी यहां पे कैलकुलेट मैंने बता दिया है और डीजीएम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको पता लग गया है। अब देखते हैं सर इसको मैथमेटिकली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा यहां पे ईयर दे दी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहले आपको देख लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास कोई ईयर है, ईयर मान लेते हैं आपके पास, एग्जांपल के लिए मैं अभी ईयर बोल रहा हूं, जैसे आपके पास 1950 है, 1960 है एंड 1970 है और आपके पास बोल दिया जाता है कि आपको निकालना है 1990 के लिए, यानी कि आप किसके लिए निकालना है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, 1990 के लिए निकालना है। और मान लेते हैं पॉपुलेशन दे दिया आपके पास P1, P2 एंड P3, ठीक है? तो परसेंटेज ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे आप? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज P2 माइनस P1, दैट इज, तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, दैट इज P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इनटू 100। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका? R निकल जाएगा, R1 निकल जाएगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट निकालेंगे, तो नेक्स्ट कैसे निकले था आपके पास? P3 माइनस P2, ठीक है, P3 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P2 इनटू 100, यहां से क्या निकलेगा आपके पास? R2। क्लियर है? बट इससे पहले आप R1 R2 का क्या निकालते थे? एवरेज। बट यहां पे क्या करेंगे आप? जो लास्ट नोन है, अब ये लास्ट नोन मैंने आपको बताया है R क्या था, यहां पे देखिएगा R कौन सा है आपके पास? पॉपुलेशन, ये परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहां पे R कौन सा लेना आपको? लास्ट नोन पॉपुलेशन वाला लेना है। ये R आपको जो लेना है वो लेना है लास्ट नोन परसेंटेज ग्रोथ रेट आपको जब लेना है, ठीक है, लास्ट नोन परसेंटेज ग्रोथ रेट। तो यहां पे लास्ट नोन परसेंटेज ग्रोथ क्या हुआ आपके पास? दैट इज R2। तो दैट इज R = R2, ये लेना है आपने, एवरेज नहीं करना है इस समय, ठीक है? उसके बाद इसका क्या निकाल दो आप? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे आप? डिक्रीज बोला उसने, तो आप सीधा करेंगे R1 माइनस R2, तो यहां से जो भी आएगा आप उसको करेंगे। उसी तरह से कोई और भी होगा तो बाद में क्या कर लेंगे आप इनका डिक्रीज ग्रोथ रेट में, मान लेते ये R-1 आया होगा, दूसरा भी कोई आया होगा, सपोज कीजिएगा R-2, तो इनका क्या कर दीजिएगा आप? R का एवरेज ले लीजिएगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा? R1-R2-2, ठीक है? तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका? R निकल के आ जाएगा, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपके पास ये 1970 था और 1990 के लिए निकालेंगे, तो सर आप कैसे निकालेंगे? आप पहले 80 के लिए निकालना पड़ेगा, तो प्रेजेंट नॉन, अब देखिएगा अब आप 90s के लिए निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? सर हम यहां पे दोबारा से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये है आपके पास, दैट इज Pn इज इक्वल टू Pn-1, यही है फॉर्मूला, इज 1+R-nR-100। तो आपको पहले डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते, तो पहले आप किसके लिए निकालेंगे? मान लेते हैं आप 80 के लिए निकालते हैं, तो जब आप पी 1980 के लिए निकालेंगे तो आपको लास्ट नोन पता होना चाहिए, यानी कि 1970 पता होना चाहिए, तो यहां से आ गया आपका 1970। क्लियर है? 1+R-n, n कितने डीके के लिए आपने देखा? 70 से आपने 80 के लिए देखा है, 70 से आपने कितने के लिए देखा? 80 के लिए देखा है, 80 के लिए देखना पड़ेगा पहले। तो कितना हुआ? 70 और 80 में एक डीके हुआ, तो n की जगह हम 1 लगा देंगे, R- हो जाएगा और यहां पे 100 हो जाएगा। तो यहां से आपको कितने की पॉपुलेशन मिल गई है? 1980 की। तो 1980 की आपके पास यहां पे आपको पॉपुलेशन मिल गई। आपको निकालनी किसकी है? 90 की। तो लास्ट पिछले वाला डीके आपको पता है, तो यस, तो आपने निकालनी है सर किसकी? अब 1990 की। तो 1990 निकालने के लिए आपको कितनी की पता होनी चाहिए? अब 1990 निकालने के लिए सर हमें 1980 की पता होनी चाहिए, तो 1980 की पता होनी चाहिए, तो 1980 की तो आपको यहां से मिल गई,
प्लस वन प्लस आर माइनस एन, एन कितना आएगा? एन हम 70 से लेंगे, 70 और 90 के बीच में कितने डिके हुए? दो डिके, तो आप एन की जगह यहां पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। आर डैश डिवाइडेड बाय 100 इज, तो यहां से आ जाएगी आपके पास 1990 की। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आइए देखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर है? आपके पास क्या दे दिया है कि सेंसस रिकॉर्ड पर्टिकुलर ईयर इज शोन इन बिलो। आपके पास ईयर दे दिया है 1960, 1970, 1980, 1990 और 2020। क्लियर है? पॉपुलेशन दिया है 55,500, 63,700, 71,300, 79,500 और 2020 के लिए निकालना है। यानी कि 90 और 20 के लिए कितने डेके रहेंगे? 3 डेके। यानी कि आपको निकालना है 3 डेके के लिए। ठीक है, तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या है डीजीएम को कैलकुलेट करने का? डीजीएम क्वेश्चन में दिया भी है कि डिटरमाइन द पॉपुलेशन ईयर 2020 डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड्स। तो यहां पे जब हम डीजीएम करेंगे तो डीजीएम आपका किस तरह से निकाला जाएगा? तो दैट इज पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन इज वन प्लस आर माइनस एन आर डैश डिवाइडेड बाय 100। ये तो आपका क्या हुआ? जर्नल फॉर्मूला हुआ। ये तो आपका क्या हुआ भाई? जर्नल फॉर्मूला। बट आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ तीन डेके के लिए। 90 और 2020 के बीच में कितने डेके हैं? तीन। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन लास्ट नोन क्या है आपके पास? 2020 और प्रेजेंट क्या है? 1990। और एक डेके में कितने ईयर होते हैं? 10 ईयर्स होते हैं। 2020 में से 1990 गए तो आपके पास 30 बचा। 30 डिवाइडेड बाय 10 किया तो आपके पास नंबर ऑफ डेके कितना रह गया? यहां से 3 आ गया। क्लियर है? तो आप इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? पी एन। अब जब 2020 के लिए आप बनाना तो आपको कौन सी पॉपुलेशन पता होनी चाहिए? पहले 2010 की। पहले तो आप देखिएगा 1990 के लिए 2010 की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। 2010 के बाद आपके लिए आप निकाल किसकी रहे हैं सर? हम 2020 की निकाल रहे हैं। 2020 की, 2020 से पहले आपको पी एन माइनस वन क्या होता है कि प्रेजेंट का लास्ट नोन। तो प्रेजेंट मतलब जो आपने फोरकास्ट किया है उसका लास्ट, तो उसका लास्ट क्या है? 1990, सॉरी उसका लास्ट रहेगा आपके पास 2010 रहेगा। ठीक, इज वन प्लस आर माइनस एन कितने डेके के लिए रहेगा? एग्जैक्ट अब आएगा 3 डेके के लिए। आर डैश डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पे हमारे पास ईयर है 1960, 1970, 1980, 1999। ठीक है, पहले की पॉपुलेशन कितनी दी है आपके पास? 55,555। ठीक है, 55,500 दी है। दूसरे की कितनी दी है? 63,700 दी है। तीसरे की कितनी दी है आपके पास? 71,300 दी है। चौथे की कितनी दी है आपके पास? 79,500 दी है। क्लियर है? परसेंटेज ग्रोथ रेट कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, पी टू माइनस पी वन करके। कि सपोज करो सर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। तो फॉर्मूला क्या था बनता है आपके पास? फॉर्मूला बनता है सर P2 माइनस P1। तो P2 क्या है? 63,700 डिवाइडेड बाय, P1 कितना है? 55,500 डिवाइडेड बाय, ये तो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओरिजिनल कितना हुआ इसका? P1 55,500 × 100। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका? R निकल के आ जाएगा। और यहां से क्या निकल के आ जाएगा? R डैश। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आया? 14.79%। कितना आया? 14.79। यानी कि R1 आ गया आपके पास 14.79%। उसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे P3 माइनस P2। P3 कितना है सर? 71,300 माइनस P2 कितना है? 63,700 डिवाइडेड बाय P2 इज 63,700 × 100। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? R2। R2 को सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आएगा? 11.93% आ जाएगा, सॉरी 11.93%। क्लियर है? उसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब तो P4, अब देखिएगा P4 माइनस P3, तो दैट इज 79,500 माइनस 71,300 डिवाइडेड बाय 71,300। ठीक है, इनटू 100 भी करेंगे हम, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? R3। R3, तो R3 क्या है आपके पास सर? R3 है हमारे पास, कैलकुलेट करके आएगा आपके पास 11.5। ठीक है, तो ये लास्ट नोन वाला R हुआ।
तो यहां पे जो आपको R मिलने वाला है, ये R कौन सा रहेगा आपके पास? लास्ट नोन वाला R। तो ये लास्ट नोन वाला R क्या है आपके पास? ये वाला। तो इसको क्या कर लीजिएगा आप, दिस इज नॉन। क्लियर है? अब क्या निकालना हमने? डिक्रीज इन ग्रोथ रेट। तो डिक्रीज इन ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे हम यहां पे? तो यहां पे भी बिल्कुल सिंपल लगाएंगे सर, दैट इज आर वन माइनस आर टू। तो आर वन कितना है? 14.79 माइनस 11.93। क्लियर है? जो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 2.84 समथिंग आएगा। क्लियर है? उसी तरह से सर नेक्स्ट करेंगे R2 माइनस R3। R2 कितना है? 11.93 माइनस 11.5। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.483। ठीक है, 0.43 कुछ ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना एग्जैक्ट ये आता है। अब लास्ट में क्या कर लेंगे सर? इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा? ये R डैश वन है, R डैश वन, R डैश टू। तो R डैश कैसे निकलेगा? R वन डैश प्लस R टू डैश डिवाइडेड बाय टू। तो इसको सॉल्व करेंगे 2.84 प्लस 0.43 डिवाइडेड बाय टू। तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा? 1.635% आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपने क्या कर दिया, ये सारे के सारे डाटा निकाल दिया आपने। R1 डैश निकाला, R2 डैश निकाला और आपने टोटल R डैश वन निकाला। तो आपके पास लास्ट नोन भी पता है, R3 भी पता लग गया, R डैश भी पता लग गया। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में आपके पास क्या दिया है? क्वेश्चन में हमारे पास दे दिया है 1990 और निकालना किसके लिए है? 2020 के लिए। तो 1990 के लिए मुझे पहले किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा? 2000 का। तो हम फॉर्मूला यहां पे लगाने वाले हैं फिर से कि P, ये निकालने वाले हैं P कि 2000 के लिए आपको किसका पता होना चाहिए? P 1990 का पता होना चाहिए। इज 1 प्लस आर माइनस एन आर डैश इज डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे हम तो P 2000 कितना है आपको निकालना है? 2000 तो आपको निकालना है, 1990 पता है, तो 79,500 इज 1 प्लस R। R कितना है? ये वाला लेना है R, लास्ट नोन वाला 11.5 माइनस कितना डीके लिया? 1990 से 2000 के बीच में कितना डीके है? आपने लास्ट वाला डीके लेना 1990 से लेके 2000 का, तो 1, तो दैट इज 1। क्लियर है? R डैश कितना है सर यहाँ पे? 1.635 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2000 की पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो कितनी आई? 87,343। तो आपको किसकी पॉपुलेशन मिल गई है? 2000 की। तो आप 2000 की जगह आप किसकी निकालेंगे? 2010 की। तो 2010 के लिए आपको 2000 की पता होनी चाहिए, तो हम लगा देंगे 2010 की। तो 2010 के लिए हमें 2000 का पता होना चाहिए और 2000 की आपने निकाल दी है, तो दैट इज 1 प्लस आर माइनस एन इज आर डैश डिवाइडेड बाय 100 इज पी 2010 डिवाइडेड इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि सर 2000 की कितनी पॉपुलेशन आ रही है? 87,343। तो दैट इज 87,343 इज 1 प्लस आर कितना है? वही है 11.5। सर एन कितना है? 1990 से आप कहां पहुंचे? 2010 तक। तो कितने डेके हुए? सर दो डेके हुए। तो दैट इज 2 × 1.635, क्योंकि R डैश तो सेम ही है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आपके पास दूसरी पॉपुलेशन आ जाएगी कितनी? 94,531। ठीक है, 94,533। क्लियर है? तो ये पॉपुलेशन भी आपका क्या हो गया है हमारे पास? कैलकुलेट हो गया है। अब देखते हैं सर हम किसकी? 20 के लिए। तो 20 के लिए किसका पता होना चाहिए था? 10 का। तो 10 की भी आपने निकाल दी है, देखिएगा। तो आप कीजिएगा P 2020। तो 2020 के लिए निकालेंगे P 2010 इज 1 प्लस R माइनस N R डैश डिवाइडेड बाय 100 इज P 2020 इज इक्वल टू। तो आपके पास 2010 की कितनी है? 94। तो आप पुट करेंगे 94,531 इज 1 प्लस R कितना है? 11.5 माइनस N कितना है? तो आपने निकाला किसका है? 20 के लिए। कब से? 1990 से। तो 90 और 20 के बीच में कितने डेके आए थे? 3। तो यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा? 3 × 1.635 इज
635 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 107,765, 107,765, ठीक है। तो आपके पास ये पॉपुलेशन आ गई है। तो इस तरह से हम अपने फाइनल क्वेश्चन को जाएंगे। पहले आपने देखा कि सर आपको 1990 के लिए आपको 2000 की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, तो 87,343, और 2010 के लिए देखनी थी तो कितनी आई, 94,531, 2020 के लिए देखी थी तो 1,765। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आर आपको कौन सा लेना है, लास्ट नोन वाला। तो एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात अब हम करते हैं, तो आर कौन सा हुआ सर, ये लास्ट नोन परसेंटेज ग्रोथ वाला, सर ये लास्ट वाला, लास्ट इंक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है, ये लास्ट वाला लेना है आपको, ठीक है। वही हम बताए थे भी आपको भी पहले भी कि आपको कौन सा लेना है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड है जो कभी बार आ सकता है, ठीक है। किसका आपको एवरेज लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका एवरेज ले लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ का एवरेज ले लेते हैं। आपने परसेंटेज ग्रोथ का एवरेज नहीं लेना है, आपने सिर्फ क्या लेना है, इसका लास्ट नोन वाला आर लेना है, और जो डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट हुआ है उसका आपने एवरेज लेना है, ठीक है। एवरेज ले लिया है, और जिसके लिए पूछा गया उससे पहले प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करना है, फिर वो आ जाएगा, फिर दिस ईयर का निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इस मेथड में सबसे बड़ी एडवांटेज भी कहो इसको, यहाँ एक एडवांटेज भी कह सकते हैं कि इस मेथड को हम एक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको हम मतलब डेके टू डेके यहां पे पॉपुलेशन का पता करना बहुत जरूरी है, क्लियर है। अब हम देखेंगे अपने लॉजिस्टिक कर्व मेथड के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम अगले मेथड की, और अगला मेथड है आपके पास लॉजिस्टिक कर्व मेथड्स। लॉजिस्टिक कर्व मेथड का सबसे पहले जो एक आइडिया दिया था, एक मैथमेटिशियंस ने दिया था, किसने दिया था, एक मैथमेटिशियंस। मैथमेटिशियंस कौन थे, पीएफ वर्वलोस्ट। पीएफ वर्वलोस्ट ने एक मॉडल दिया जिस मॉडल का नाम था लॉजिस्टिक मॉडल, क्लियर है। ये लॉजिस्टिक मॉडल जो था ये रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ था, किससे रिलेटेड था, पॉपुलेशन ग्रोथ था। उसने क्या कहा कि मान लेते हैं आपके पास कोई ये पॉपुलेशन एक सिटी है, एक मतलब एक ऐसा ओपन एरिया है जहां पे अभी तक किसी भी प्रकार का पॉपुलेशन नहीं है। तो उसने क्या कहा, पीएफ वर्वलोस्ट ने क्या कहा कि इनिशियली स्टेज पे किसी भी सिटी की पॉपुलेशन क्या करती है, रैपिडली ग्रोइंग करती है। मान लेते हैं कि यहां पे आपके पास कोई दो पर्सन आए, इन दो पर्सन ने आपके चार पर्सन को मैसेज दिया, कितने मैसेज दिया, चार। उन्होंने कहा कि भाई प्लॉट मिल रहा है, खाली है, और अभी आप इसको इजीली खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, आगे चार लोगों, दो लोगों ने आठ लोगों को इनविटेशन दिया, जरूरी नहीं आठ हो, जितने मर्जी है, उन्होंने कहा ओपन खाली। वैसे ही वैसे इन बाकी लोगों ने भी क्या दिया, अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज करना शुरू किया विद द मोबाइल फोन, किया होगा फेसबुक पे जरिए उन्होंने क्या किया है, मैसेज पहुंचाना शुरू किया है कि भाई खाली स्पेस है, जल्दी जल्दी मिल रहा है, जल्दी जल्दी से खरीद लीजिएगा। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी, इस एरिया की जितनी कैपेसिटी थी वो फुलफिल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पीएफ वर्वलोस ने एक आइडियाज दिया, उन्होंने एक आइडियाज क्या दिया कि भाई किसी भी एरिया में आपकी पॉपुलेशन इनिशियली स्टेज में क्या होती है, बढ़ती है, और एक मिड स्टेज ऐसी आती है जब आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट रह जाती है। यानी कि पॉपुलेशन का दर अभी भी बढ़ रहा है, बट जिस दर से पहले बढ़ रहा था उस दर से अब नहीं बढ़ रहा है, और फाइनली स्टेज एक ऐसे आ जाती है जब आपकी पॉपुलेशन एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाती है। सैचुरेशन पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी इस एरिया की, जितने लोग यहां पे आ सकते थे वो उतने आ गए हैं, भाई अब यहां पे कैपेसिटी नहीं है, अब पूरा का पूरा जितना भी आपका ये खाली स्पेस था वो भर गया है, क्लियर है। तो उन्होंने एक क्या किया, इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किस किस के बीच में दी है, एक पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में दी है। वैसे तो ये मैंने आपको बहुत पहले से ही मैं आपको बताता आ रहा हूं, ठीक है, किस किस के बीच में सर, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में। वर्वलोस्ट ने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दिया आपको पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में। उसने क्या कहा कि सर इनिशियली स्टेज में आपकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी और फाइनल स्टेज में आपकी पॉपुलेशन
सैचुरेशन पॉइंट तक आ जाएगी, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो मैं यहां पे इसको मार्क कर देता हूं, दैट इज पीएस। पीएस क्या है? सैचुरेशन पॉपुलेशन, सैचुरेशन पॉपुलेशन। क्लियर है कि अब यहां से इससे ज्यादा लोग यहां पे नहीं आ सकते हैं। तो इनिशियली स्टेज में मान लेते हैं आपका जब टाइम टी नोट था तो आपकी पॉपुलेशन वहां पे पी नोट हुई होगी एट ए टाइम टी, कि जब आपका टाइम टी वन आया होगा तो उस समय हमारी पॉपुलेशन होगी होगी पी वन, और जब एट ए टाइम टी टू आया होगा तो पॉपुलेशन हो गई आपके पास दैट इज पी टू, और एट ए टाइम्स एन टाइम, और एन टाइम में आपकी पॉपुलेशन क्या होगी होगी आपकी पी एन होगी होगी। ठीक है, दैट इज। तो ये ग्राफ दिया किसने? लॉजिस्टिक कर्व मेथड में। और उसने कहा कि सर जब हम ए से बी गए तो इनिशियली स्टेज थी आपके पास, कौन सी स्टेज थी? इनिशियली स्टेज। मैं मार्क कर देता हूं, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं, डी पॉइंट मान लेते हैं, और ये ई पॉइंट मान लेते हैं। ए से बी आपकी इनिशियली स्टेज थी जब आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, तेजली रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, यानी कि डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। क्लियर है। और उसी तरह से सब जब हम बी से डी गए तो आपका मिड स्टेज आ गया, और मिड स्टेज में क्या आया कि जो भी आपकी पॉपुलेशन का दर था वो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया भाई? वो कांस्टेंट हो गया। तो दैट इज डीपी बाय डीटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और एक फाइनल स्टेज ऐसे आई, वो स्टेज क्या थी आपके पास? दैट इज डी से ई, वो स्टेज आई आपके पास फाइनल स्टेज। ठीक है, और फाइनल स्टेज आपके पास कैसे आई? जिसमें आपका डीपी बाई डी टी क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, यानी कि मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस पी। पी एस क्या है? सैचुरेशन इन पॉपुलेशन, और पी क्या है? पॉपुलेशन एट ए स्टार्ट पॉइंट। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में पहले से मैंने बताए थे। क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा कि जब आपके पास टाइम टी नॉट था तो आपके पास पॉपुलेशन कितनी बड़ी? पी। ठीक है, पी नॉट। और जब टाइम हमारे पास टी वन था तो पॉपुलेशन कितनी रही होगी आपके पास? पी वन रही होगी। और जब टाइम हमारे पास टी टू रहा होगा तो पॉपुलेशन रही होगी पी टू, और जब टाइम टी एन टाइम रहा होगा तो पॉपुलेशन रही होगी आपकी एन। क्लियर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बट लॉजिस्टिक कर्व मेथड में एक चीज ध्यान रखना कि लॉजिस्टिक कर्व मेथड का यूज आप तभी यूज करेंगे जब दो इक्वल इंटरवल पर आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना हो। तो यहां पे क्या करते हैं हम, टू फाइंड दी पॉपुलेशन एट टू इक्वल इंटरवल पे। पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं आप एट टू इक्वल इंटरवल पे, टू इक्वल इंटरवल पे, दैट इज पी वन पी टू। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इस तरह से, तो यहां पे जो आपके पास टी नोट से जो टी टाइम लाया होगा वो आपके पास टी वन होगा सपोज कीजिएगा, और जो टी वन से टी टू टाइम हुआ होगा वो भी इक्वल इंटरवल का टाइम होगा, यानी कि टी वन ही टाइम होगा। तो आपके पास टी टू टाइम क्या हो गया? टी वन, और टी वन प्लस टी वन क्या हो गया? टी टू। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम आपके पास टी वन है, और यहां से यहां तक का टाइम भी टी वन है, तो टी टू क्या हो गया हमारे पास? टी टू हो गया आपके पास टी वन प्लस टी टू। तो ये जो टी टू टाइम होगा ये विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा आपके पास? टू टी वन टाइम वन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं हम कि किस तरह से इसको, कुछ इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। क्लियर है, पहला बोलता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ये सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया दिया था आपका एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे वर्वोलॉस्ट, पी एफ वर्वोलॉस्ट। मैं लिखता हूं पी एफ वर्वोलॉस्ट, ठीक है, पी एफ वर्वोलॉस्ट। किसने दिया था? पी एफ वर्वोलॉस्ट ने दिया था। इनके एक मॉडल इन्वेंशन किया था, इन्होंने एक मॉडल का इन्वेंशन किया था, उस मॉडल का नाम था लॉजिस्टिक मॉडल। क्या नाम था उस मॉडल का? लॉजिस्टिक मॉडल था। ठीक है, ये मॉडल इन्होंने कब दिया था? 1825 में दिया था। क्लियर है, और ये क्या थे? एक मैथमेटिशियंस थे। क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियंस लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी रहने दो, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है।
बस आपको ये रखना याद कि जो लॉजिस्टिक कर्व मेथड है ये किसने दिया था, पीएफ वर्वलॉस ने दिया था, जो एक कहाँ के थे आपके, बेल्जियम के थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मॉडल का एनालिसिस किया था जिस मॉडल का नाम था लॉजिस्टिक मॉडल। क्लियर है, उन्होंने इस मॉडल को किसके ऊपर दिया था, उन्होंने एक सिटी की पॉपुलेशन के ऊपर कि किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो कैसे बढ़ता है। क्लियर है, उसने क्या कहा कि दिस मेथड इज यूज, कि इस मेथड का यूज आप तभी कीजिएगा जब आपकी नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अब सर ये नॉर्मल कंडीशन क्या है कि जिसमें आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन रेट को डिपेंड करता है आपके पास तीन फैक्टर पे, वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, आपके डेथ पे भी डिपेंड कर सकता है, आपकी बर्थ पे भी डिपेंड कर सकता है और आपके माइग्रेशन पे भी डिपेंड करता। तो ये तीनों क्या है, आपकी नॉर्मल कंडीशन है। तो वही दिखेगा कि दिस मेथड इज यूज when the growth rate of population due to birth या तो कोई वहां पे किसी न्यूली बेबी ने जन्म लिया हो उस पर डिपेंड करेगा, और डेथ कि कितने लोगों की वहां पे जाने गई है उस पर, और ये डेथ कौन सा है जो आपका नेचुरली डेथ हो रही है, जरूरी नहीं कि महामारी के कारण कोई बीमारी हो रही, वो वाली कंडीशन नहीं आएगी, जो आपका नॉर्मल लोग मर रहे हैं। क्लियर है, एंड माइग्रेशन कितने लोगों ने वहां पे शिफ्ट किया है। ठीक है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल है, हम अभी प्रेजेंटली हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा किसी पीएसयू में सिलेक्शन हो गया और हमें दिल्ली जाना है, तो हमारा क्या, हम क्या करेंगे चंडीगढ़ से दिल्ली क्या करेंगे, अपना माइग्रेशन करेंगे। जरूरी नहीं है बाहर की कंट्री के लोग भी जैसे दिल्ली में शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द माइग्रेशन प्रोसेस। क्लियर है, दिल्ली से आप बाहर जा रहे हो, अमेरिका वगैरह जा रहे हो, दिस इज द माइग्रेशन प्रोसेस। तो ध्यान रखना कि वो आपके बर्थ पे भी डिपेंड कर सकता है ये लॉजिस्टिक कर्व मेथड, आपकी डेथ पे भी डिपेंड कर सकता है और आपके माइग्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, टेक प्लेस इन द नॉर्मल कंडीशन, इसी को बोल जाता है नॉर्मल कंडीशन। Then it follow the logistic curve method. अगर ये normal condition रहेगी तभी आपका logistic curve method follow होगा। Clear है? Next, this method is not applicable for subjected to any extraordinary change. और ये method वहाँ पे बिल्कुल भी applicable नहीं है जहाँ पे कुछ extraordinary change आ रहे हो, जैसे कि take a epidemic, कोई महामारी आ रही हो, कोई वहाँ पे युद्ध हो रहा है, ठीक है, या जैसे earthquake जैसी problem आ रही है, और एनी नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा, तो वहां पे इस मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। आपके पास एज ए इंटरव्यू यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लॉजिस्टिक कर्व मेथड को क्या हम ड्यूरिंग द एपिडेमिक यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यस सर, नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया गया है कि लॉजिस्टिक कर्व मेथड का अडॉप्ट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज में नहीं कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज क्या हो सकते हैं, ड्यू टू एपिडेमिक हो सकता है, ड्यू टू अर्थक्वेक हो सकता है, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर है, उस कंडीशन में आप नहीं करेंगे। अगर सर वहां पे नॉर्मल कंडीशन हुई, आप ये भी बोलोगे साथ में, अगर सर वहां पे नॉर्मल कंडीशन हुई ड्यू टू डेथ रेट, ड्यू टू बर्थ रेट, ड्यू टू माइग्रेशन, तो उस कंडीशन में सर हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक कर्व मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन पॉपुलेशन वर्सेस टाइम, और इसमें हम एक ग्राफ का प्लॉट करते हैं किस किस बीच में, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया है। ठीक है, दिस कर्व इज ऑब्टेन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, और ये जो कर्व बनेगा ये कर्व आपका तभी ऑब्टेन होगा जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन होगी। क्लियर है, लुक्स लाइक ए एस शेप, और ये हमें दिखने में कैसे दिखता है, एस शेप की तरह दिखता है, जिसको हम लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं। क्लियर है, दिस मेथड इज अ वेरी गुड फॉर ओल्ड सिटीज, और ये जो मेथड्स रहते हैं ये बहुत यूजफुल रहते हैं आपके ओल्ड सिटी में, जहां पे आपके पास सेचुरेशन पॉइंट क्या अप्रोचिंग हो चुका होता है। क्लियर है, नेक्स्ट, दिस मेथड गिव्स क्वाइट रिजल्ट्स, और ये जो मेथड्स है हमारे पास क्वाइट रिजल्ट्स देता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व शो द, क्या शो करता है। अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि जो आपको पीछे ग्राफ बताया वो क्या क्या शो करता है, तो मैंने वहां पे भी लिखा है, यहां पे भी देखो, ये अर्लियर ग्रोथ को, किसी भी स्टेज की अर्लियर ग्रोथ को शो करता है जो क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं हम सर डीपी बाई डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इनिशियल स्टेज में शो करता है, और मिड स्टेज में क्या शो करता है, सिटी की पॉपुलेशन को कांस्टेंट शो करता है, यानी कि डीपी बाय डीटी इज कांस्टेंट शो करता है। क्लियर है, और
अर्लियर फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज में क्या शो करता है, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट। तो मैं लिख सकता हूं डीपी बाय डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस माइनस पी इज, यहां लिख सकता हूं मैं डीपी बाय डीटी इज डिक्रीज। क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके पास। उसके बाद क्या हुआ, वर्वलोस्ट एक साइंटिस्ट आए जो एक मैथमेटिशियन थे, हैज दे पुट फॉरवर्ड ए मैथमेटिकली सॉल्यूशन फॉर द लॉजिस्टिक कर्व। उन्होंने क्या निकाला, एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला किसका, लॉजिस्टिक कर्व का, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ऑटोक्लेटिकली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। किससे आपको रिप्रेजेंट करेंगे उसको, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑटो कैटालिटिक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये गेट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लॉजिस्टिक कर्व मैथमेटिकल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंट बाय, तो वहां पे लिखा जाएगा ऑटोक्लेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या कोई और भी इक्वेशन वहां पे आपके पास लिखी जाएगी। तो आपके पास जो यहाँ पे मेनली जो इक्वेशन यूज की जाती है वो है आपके पास ऑटो कैटालिटिक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। क्लियर, कौन सी है, ऑटो कैटालिटिकली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, जो लिखेगा हम लोग ई पी एस माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस लोग ई पी एस माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के पी एस इंटू टी। क्लियर है, पी क्या है आपके पास, पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी फ्रॉम स्टार्ट, कि जब आपकी पॉपुलेशन एट ए पॉइंट पे जब स्टार्ट हुई इनिशियल स्टेज में, ओ वाली पॉपुलेशन। पी एस क्या है, पी एस आपकी ओ पॉपुलेशन है कि जितनी पॉपुलेशन उस सिटी की थी वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गई है, यानी कि उससे ज्यादा की पॉपुलेशन अब वहां नहीं आ सकती है, दैट पॉपुलेशन इज नोन एज सैचुरेशन पॉपुलेशन। और पी नॉट क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी स्टार्ट ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, कि अब फाइनली क्या हो गया आपका, वो कंडीशन स्टार्ट हो गया है। क्लियर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो आपके पास सिर्फ यहां से जो याद रखना है कि सर कौन सी लॉजिस्टिक कर्व के लिए कौन सी इक्वेशन है जो आपके लॉजिस्टिक कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए है ऑटो कैटालिटिक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, कौन सी है, ऑटो कैटालिटिक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। क्लियर है, तो यहां पे बट द पॉपुलेशन आफ्टर एंड टाइम इज कैलकुलेटेड, बट जो आप टी टाइम एंड टाइम पे जो कैलकुलेट करेंगे लॉजिस्टिक कर्व मेथड में, उसको आप कुछ इस तरह से याद रखेंगे। पिछले वाली आपको याद नहीं रखना, सिर्फ नाम याद रखना है। क्लियर है, P इज इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम लॉग ई एन टी। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा m और n यहां पे दो कांस्टेंट है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला है जिसमें, या कौन सी ऐसी इक्वेशंस है जहां पे आपके पास एक साथ दो कांस्टेंट यूज होते हैं, तो है आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड्स। यहां पे दो कांस्टेंट यूज होते हैं, एक m और एक n। m है कांस्टेंट, जो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पी एस माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी एस। क्लियर है, दूसरा कांस्टेंट है n कांस्टेंट, जो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 2.3 इज t1 टाइम। ये t1 टाइम क्या है, जो आपका डेके के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे डेके के बीच के डिस्टेंस कितना रहता है आपका 10 इयर्स, t1 इज log 10, p नॉट इज पी एस माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी वन पी एस माइनस पी नॉट। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। दूसरा है कि सर पी एस क्या है आपके पास, सैचुरेशन इन पॉपुलेशन। सैचुरेशन इन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर पी नॉट प्लस पी टू। क्लियर है, डिवाइडेड बाय पी नॉट पी टू माइनस पी वन। अब ये फॉर्मूलेस तो है, आपको याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी डायरेक्ट आपके पास सेचुरेशन इन पॉपुलेशन का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, कभी कभी आपके पास m और n कांस्टेंट के फॉर्मूले भी कभी कभी वो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, और इससे रिलेवेंट हम एक प्रॉब्लम भी आपको करेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से आपका ये था लॉजिस्टिक कर्व मेथड। देखते हैं इससे रिलेवेंट अब प्रॉब्लम। क्लियर है, अब प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि पॉपुलेशन दे दी आपके पास किसी सिटी की, और हर डेके की पॉपुलेशन दी है, तीन डेके की पॉपुलेशन दी है, 1991 की दी है, 2001 की दी है और 2011 की दी है। कितनी दी है आपके पास, 80,000 दी है, 250,000 दी है, 480,000 दी है रिस्पेक्टिवली, और बोला गया है डिटरमाइन द सैचुरेशन पॉपुलेशन, कि सैचुरेशन पॉपुलेशन को कैलकुलेट कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इन 2021। क्लियर है, तो यहां पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि पी नॉट पॉपुलेशन दिया आपके पास 80,000, बिल्कुल सर दिया है,
अब देखिएगा, पी नॉट पॉपुलेशन माना मैंने आपका जो इनिशियली पॉपुलेशन दिया था आपके पास 1990 का, 1991 का, उसको माना मैंने पी नॉट। उसी तरह से 2001 का जो पॉपुलेशन दिया है वो पी वन मान लिया आपने, कुछ ऐसा ही मान लिया, ठीक है। और 2011 का जो पॉपुलेशन दिया है वो 480,000 दिया है, यानी कि यहां पे भी देख लीजिएगा आपके पास 1991 का पॉपुलेशन दिया 80,000, 2001 का पॉपुलेशन दिया यहां पे 250,000 और 2011 का पॉपुलेशन दिया है 480,000। क्लियर है? तो हमने भी कुछ यहीं पे लिखा है। तो यहां पे जो टाइम होगा आपके पास टी नॉट टाइम होगा, टी नॉट के टाइम में जो पॉपुलेशन होगी वो पी नॉट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसी तरह से टी वन टाइम में जो पॉपुलेशन होगी 250,000 होगी, और टी टू टाइम में जो पॉपुलेशन होगी आपके पास वो कितनी होगी 480,000 थी। क्लियर है? तो मैं यहां पे जो टाइम इंटरवल रहता है मेरा वो कितने सालों का रहता है, 10 ईयर्स का, यानी कि डेके का इंटरवल्स रहता है वो रहता है आपके पास 10 ईयर्स का। क्लियर है? तो मेरे पास यहां से मुझे एक टर्म मिल जाएगी टी वन, तो टी वन कितना हो जाएगा हमारे पास 10 ईयर्स। क्लियर है? और अगर मैं टोटल टी की बात करता हूं तो टोटल टी में कितने ईयर्स का हो जाएगा मेरे पास 80, 10, 20, 30, कितना 30 ईयर्स, एक टी आ जाएगा मेरा 30 ईयर्स। क्लियर है? क्योंकि आपके पास 1991 किया आपने तो 10 साल, 2001 से 2000 किया अगेन 10 साल, तो कितने हो गए 20। अब आपको पूछा 2011 से 2021 के लिए 10 और होगा, तो टोटल ईयर्स कितने हो गए आपके पास 30 ईयर्स, कितने ईयर हो गए 30 ईयर्स। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है, सैचुरेशन पॉपुलेशन। तो पी एस कैसे निकलेगा वो देखिएगा, 2 पी नॉट कितना है हमारे पास, तो यहां पे पी नॉट है 80,000, तो मैं करूंगा 80,000, ठीक है। पी वन कितना है आपके पास 250,000, तो 250,000 इंटू पी टू कितना है मेरे पास 480,000, 480,000। क्लियर है? माइनस पी वन का स्क्वेयर, पी वन कितना है 250,000 का स्क्वेयर, तो 250,000 का स्क्वेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पी नॉट कितना है हमारे पास, पी नॉट है हमारे पास 80,000, तो यहां पे लिख दीजिएगा आप 80,000 प्लस पी टू कितना है आपके पास 480,000, 480,000, ठीक है। सारी वैल्यू को बड़े ध्यान में देखिएगा, क्योंकि आपको इजी दिया जाता है जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करना होता है, तो बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना होता है। डिवाइडेड बाय, अब पी नॉट कितना है आपके पास, पी नॉट है 80,000, तो डेट इज 80,000 इंटू पी टू कितना है आपके पास 480,000, तो 480,000। क्लियर है? माइनस पी वन का स्क्वेयर, पी वन का कितना है 250,000, तो 250,000 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 65,602, कुछ ऐसे आ जाएगा आपके 655,602, इतनी पॉपुलेशन आपके पास फाइनली आ जाएगी। क्लियर है? जब आपके पास सेचुरेशन इन पॉपुलेशन कितना आया पीएस 655,602 आ गया। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आपने वैल्यू को डाला उसमें, और याद रखना कि जो भी आपकी इनिशियली पॉपुलेशन दी गई होगी किसी की, उसको आपने पी नॉट लेना है, उसके बाद वाले ईयर की आपने पी वन लेना है, और उसके बाद वाले ईयर की आपने पी टू लेना है। क्लियर है? पूछा किसके लिए, उन्होंने पूछा है टूथ एक्सपेक्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सर 2021 के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे वहां पे 30 ईयर्स, ठीक है। टाइम इंटरवल कितना है 10 साल का है। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आ गया आपके पास एम। अब एम कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला फाइनल क्या रहता है, पी इज इक्वल टू पी एस वन प्लस एम लोग इनवर्स ई एन टी, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या कैलकुल, पी एस तो आपने कैलकुलेट कर लिया है 655,602, क्लियर है। तो एम नहीं पता, तो एम क्या होता है पी एस माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी एस, तो पी एस कितना है हमारे पास 655,602, यही है, माइनस पी नॉट कितना है 80,000, तो यहां पे करो आप 80,000 डिवाइडेड बाय पी एस कितना है 655,602, तो यहां से सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। जब एम सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा 7.195। क्लियर है? उसी तरह से अब एन निकालेंगे 2.3 T1, ये टाइम इंटरवल है कि कितने ईयर डेके के बाद आपको पॉपुलेशन दिया गया, तो टाइम इंटरवल कितना है 10 साल का, तो T1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा सर 10 पुट करूंगा, तो दैट इज 2.3 इज
10 इज log 10 इज P naught कितना है 80,000, तो 80,000 लिखो यहां पे 80,000. PS कितना है आपके पास सेचुरेशन 655,602 माइनस P1 कितना है हमारे पास, P1 देखिएगा 250,000 है, 250,000. तो यहां पे क्या कीजिएगा माइनस 250,000. क्लियर है, 50,000 किया डिवाइडेड बाय, डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करने पे क्या आया P1 कितना है आपके पास 250,000, 250,000. PS कितना है 655,602 माइनस P naught कितना है 80,000 किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. क्लियर है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास N, और N क्या है आपके पास माइनस का 0.1488, तो ये आया आपके पास माइनस का 0.1488. क्लियर है, आपके पास ये क्या आ गया आपके पास N आ गया. तो यहां से हमारे पास दो टर्म मिल चुकी है आपके पास, एक आपके पास सर M भी आ गया और एक आपके पास N भी आ गया, और PS आपके पास ऑलरेडी आपने निकाला है. क्लियर है, तो सारी के सारी क्या कीजिएगा आप लॉजिस्टिक इक्वेशंस में क्या कीजिएगा पुट कीजिएगा. ठीक है, तो इसको पुट करते हैं सर, PS कितना है 655,602 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M, M कितना है 7.195, ठीक है, इज log e इनवर्स N, N कितना है हमारे पास 7.195. ठीक है, और उसके बाद N आ गया आपके पास, और T कितना है 30 है, तो आप 30 लिखेंगे क्योंकि टोटल टाइम इंटरवल लेना आपने. ठीक है, तो टोटल टाइम इंटरवल कब से लिया आपने 1991 से जब तक पूछा था 2021 तक, तो 1991 में कितना इंटरवल आया 10, 2001 से 2010 और 2010 से 10, तो कितना आ गया आपके पास 30 इंटरवल्स आ गया. तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे अपना टाइम इंटरवल लग दिया, दैट इज 30. सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 6,05,036. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,00,000, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको 6,05,432. क्लियर है, तो आपके पास 5,436 सॉरी दैट इज 5,436. तो ये आपके पास आ गया, पॉपुलेशन भी यहां पे आ गई. कब की पॉपुलेशन है ये आपके पास, ये पॉपुलेशन है 2021 की, तो यहां पे लिख सकते हैं आप 2021 की, दैट इज 2021 की पॉपुलेशन आपने निकाली है 6,05,436. तो यहां पे देख लेते हैं पॉपुलेशन, तो यहां पे पॉपुलेशन कितनी थी 4,80,000, 2021 में पॉपुलेशन कितनी हुई 6,05,436. ठीक है, ये वाली पॉपुलेशन बनी आपके पास. क्लियर है, तो यहां पे ये ध्यान रखना आपने 5,436. क्लियर है, तो इस तरह से हमने अपना पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है डियर.